अर्चना जी, कभी भूतों वाली फिल्म देखी आपने? बड़ा डर लगता है ना एक्चुअली. भूत वाली फिल्म देख के डर भी लगता रहता है और एक्साइटमेंट सी बनी रहती है कि अब आएगा भूत, अब आएगा. आए ना आए लेकिन डर लगा रहता है. सेम जैसे आपको सिद्धू साहब का लगा रहता है. खैर, मैं हॉरर फिल्मों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक नई फिल्म आने वाली है, भूत द हॉन्टेड शिप. और इस फिल्म के लीड स्टार्स आज हमारे बीच आने वाले हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम यंग एंड टैलेंटेड, जोश से भरपूर एक्टर, नेशनल अवार्ड विनर मिस्टर विक्की कौशल एंड वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर. Thank you. विकी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you. भूमि, आपका बहुत बहुत स्वागत है. कपिल. हाँ जी. तेरे सर पे तेरी फ्लर्टिंग का इतना भूत सवार हो गया है कि जो दिख भी नहीं रहा, जो है भी नहीं, उसको भी हक कर रहा है. अच्छा. अर्चना जी, जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे वही होता है. कभी कभी दिखाई नहीं देता फिर भी होता है. सुन लिया? किधर है भैया? भूमि, यहाँ तो आप दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन फिल्म में तो दिखाई देंगी कि नहीं? हाँ कपिल, प्रोड्यूसर ने दिखने के ही पैसे दिए हैं. लेकिन भूमि, आपने जिंदा लड़कियों के रोल में तो हमेशा जान डाली है, एंड आई एम श्योर भूत के रोल में भी आप जान डाल देंगे आप. थैंक यू कपिल. आइए. भूमि, आई हैव अ सवाल फॉर यू कि जिन सीन में तुम नहीं दिखोगी उन सीन्स के लिए भी प्रोड्यूसर तुम्हें पैसे देगा क्या? चली गई वो, बाथरूम गई हो. अभी ऐसे थोड़ी ना. पाजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका. विक्की पाजी के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू पाजी. विक्की पाजी, वर्तमान तो आपका सुपरहिट है ही, भविष्य भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. भूत के बारे में आपका क्या कहना है? आपके दिमाग में कब आया मुझे हॉरर फिल्म करनी है? मुझे पाजी एक्चुअली दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था, क्योंकि मैं हॉरर फिल्म से खुद बहुत डरता हूँ. अच्छा. मैं कभी नहीं देख पाता हॉरर फिल्म में. मैंने पिछली जो हॉरर फिल्म देखी थी उससे मैं इतना डर गया था कि उसके 10 मिनट बाद में मैंने अंदाज़ अपना अपना लगा ली थी ताकि मैं भूल जाऊँ उस फिल्म को और मैं सो सकूँ. तो मैं तो हॉरर फिल्मों से बहुत डरता हूँ, हॉरर कहानियों से बहुत डरता हूँ. तो जब मुझे धर्मा से कॉल आया, अच्छा, शशांक और करण का, कि एक फिल्म के बारे में बात करनी है, तो मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये हॉरर फिल्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि धर्मा से आप वैसे ही एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे कि वो भूत की कहानी बताएंगे. वो तो शिफॉन की साड़ियां, स्विट्जरलैंड. धर्मा को देख के यही दिमाग में आता है. तो जब उन्होंने बताया कि हॉरर फिल्म है, उन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस स्क्रिप्ट दी और कहा कि आप पढ़ लो और बता दो क्या लगता है आपको. तो मैं यूजली अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ रात को और वन गो में पढ़ता हूँ. अच्छा. तो मैंने रात को बैठ गया मैं स्क्रिप्ट लेके. अच्छा. तो मैंने एक एक्सरसाइज किया, मैं एक पानी की बोतल रखता हूँ हमेशा और स्क्रिप्ट पढ़ के ही उठता हूँ, मैं बीच में उठता नहीं. मैंने इस बार पानी की बोतल नहीं रखी. अच्छा. मैंने कहा मैं देखता हूँ यार, मुझे मन करता है, प्यास लगती है, तो मतलब मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही स्क्रिप्ट. अच्छा. या तो मैं स्क्रिप्ट में इतना घुसाऊँ कि प्यास ही नहीं लगी. हाँ. तो मैंने जब स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी, प्यास तो छोड़ो, पढ़ने के बाद जब मुझे पानी पीना था, किचन में जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी कि मैं बोतल ले आऊँ. मैंने कहा यहीं चद्दर ओढ़ो, सो जाओ. मुझे लगा अगर स्क्रिप्ट पढ़ के इतना डर लगा, तो जब ये फिल्म का वर्जन होगा तो ये और डर लगेगा एक्चुअली. तो शायद मेरे अंदर का डर खत्म होगा एक भूत की फिल्म में एक्टिंग करके. नहीं, बहुत अच्छी बात है. नॉर्मली हम बोलते हैं कि ट्रेलर बड़ा खूबसूरत है, आपका ट्रेलर बड़ा डरावना है. विक्की, आप जवान है, हैंडसम है, अभी तो आपके दिन है टाइटैनिक वाले पोज करने के हीरोइन के साथ, और आप जाके भूत नहीं ढूंढ रहे उधर. सही से बताना सर, ये जब फिल्म देखी थी सबने, हाँ जी, कौन डरा था सबसे ज्यादा? करण जोहर. वो बहुत डरे थे. जब हम ट्रेलर भी देख रहे थे, तो साथ में ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, और वो तो अब 75 बार देख चुके हैं ट्रेलर, खुद ही की फिल्म है अब, तब भी भूत आने से पहले बाकी रिएक्ट करें, ये पहले ही हो रहे हैं. तो मैंने कहा यार ये तो आप तो अपने रिएक्शन से लोगों को डरा दोगे, तो वो बड़े डर रहे थे. पर यही तो फिर खासियत है कि जो फिल्म देख के डर लग रहा है, इसका मतलब फिल्म बहुत अच्छी बनी. बहुत मुबारक हो आपको. अच्छा विक्की, अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि आप घुड़सवारी भी सीख रहे हैं.
हाँ जी, तो हम क्या समझे कि जल्दी घोड़ी चढ़ने वाले हैं आप? मैं अर्चना जी ने बताया घोड़ी सवारी इसलिए सीख रहा हूँ ताकि जिस दिन घोड़ी चढ़ गया हाँ। तो वो तो रोके रोके रखते हैं ना, तो मैं चलाना सीख जाऊँ ताकि मैं वहीं से दौड़ा लूँ कि भैया यहाँ से निकल तू। अच्छा मैंने किसी अपने ऐसे बड़े बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा जब आदमी दूल्हा बनता है तो घोड़ी पे क्यों चढ़ाते हैं और साथ में तलवार क्यों देते हैं? बोलता घोड़ी देते ही इसलिए कि बेटा अभी भी टाइम है, निकल जा। और बोलता तलवार इसलिए देते हैं अगर तुझे कोई रास्ते में रोके गर्दन उड़ा दे इसकी। अच्छा आप सबको पता है विक्की कितने टैलेंटेड एक्टर हैं और कितनी मेहनत करते हैं। जैसे उरी के लिए इन्होंने मिलिट्री बेस कैंप में जाकर ट्रेनिंग ली, और अभी जो आने वाली इनकी हिस्टोरिकल फिल्म है उसके लिए तलवारबाजी घुड़सवारी सीख रहे हैं। तो भूत के लिए फिर क्या विक्रम भट्ट का कोर्स किया था क्या? भूत के लिए पाजी क्या किया स्पेशली? नहीं ऐसे मुझे कहा गया था कि यार हॉरर फिल्म में देख लो, मैंने कहा नहीं इतनी तैयारी तो मैं नहीं कर सकता हाँ। आप मुझे उस दिन शूट पे बताना क्या करना है, मैं वैसे एक्टिंग कर लूंगा। पर इसमें सर बहुत सारे सीन्स ना अंडर वाटर है, क्योंकि ये समुंदर के किनारे एक शिप रुकी हुई है, मुझे पानी से बड़ा डर है। अच्छा पर इसमें मुझे हेल्प हो गई, क्योंकि यहाँ पे जब हम शूट कर रहे थे अंडर वाटर सीक्वेंसेस, तो हम एक 25 फीट के पूल में शूट कर रहे थे। अच्छा तो जब हम पहले दिन शूट कर रहे थे तो अंदर गया और उन्होंने क्या किया था कि नीचे आपके ना बहुत सारे स्टूल्स रख देते हैं लंबे लंबे, तो आप खड़े रहो, जैसे ही टेक लेना होता है तो आप वो स्टूल हटा देते हैं और फिर आप एक्टिंग करिए पानी के अंदर। तो अब जब डर लग रहा है तो एक्टिंग कहाँ से निकले। और जैसे ही वो स्टूल हटा दें तो मैं तो बड़ा पैनिक के मारे ऊपर आ जाऊँ, अंदर रुकू ही ना। तो फिर पहले दिन हमसे ज़्यादा शूटिंग नहीं हो पाई, तो मुझे बड़ा गिल्टी महसूस हुआ कि आपको पता है जब एज एन एक्टर कि ये होना ही है और फिर आप वो काम ना कर पाओ तो बड़ा गिल्टी। पहले ही तो मैं बड़ा मतलब वैसे जेन्युइनली डर गया था कि यार ये क्या हो रहा है। तो फिर अगले दिन फिर मैंने कहा था उनसे कि यार आप मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा दीजिए। तो शुरू में मैं आधा घंटे जल्दी पहुंच गया था सेट पे, और फिर मैंने स्कूबा जो एक्सपर्ट थे उनसे कहा कि आप वो ऑक्सीजन मास्क देके मुझे आप फर्श तक ले जाइए। और मैं फर्श पे जाके आधे घंटे ऑक्सीजन मास्क के साथ बैठना चाहता हूँ और ऊपर देखना चाहता हूँ। मुझे शायद डर इसलिए लगता है कि नीचे क्या होगा पता नहीं, पैर के नीचे जमीन नहीं है। तो जब मैंने ऊपर देखा आधे घंटे तब जाके थोड़ा डर निकला, और फिर बहुत मजे से मैंने अच्छी बात है।